देखिए खबर बिहार से, जहां बिहार में भारी बारिश के साथ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद कोसी बराज से आज 6,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सुबह से ही कोसी बराज के गेट खोल दिए गए हैं। 5 तस्वीरें हैं इस अलग अलग हिस्सों से, अब सीहोर, जूनागढ़, अयोध्या, सुपौल, बघा, हर जगह एक ही कहानी, एक ही तस्वीर है और वो ये है कि हर नदी, हर जगह पानी पानी, जलमग्न है सारे इलाके। प्रशासन की भी मुस्तैदी है, कई जगह अलर्ट जारी किया गया है और नेपाल में भारी बारिश हो रही है, उसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में बारिश के साथ बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हर साल हालांकि बिहार में हम देखते हैं बाढ़ का जो खतरा होता है उसे काफी नुकसान भी पहुंचता है। इलाके जलमग्न होते हैं, फसलें खराब होती हैं, किसान परेशान होते हैं, मकान जो नदी के किनारे आसपास होते हैं वो जमींदोज होते हैं, ऐसी कई तस्वीरें आ चुकी हैं। वाल्मीकि नगर, गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोले गए, रिपोर्ट दिखाएंगे। दूर दूर तक पसरा है पानी, नदी का दूसरा किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा। कोसी बराज से छोड़ा जा रहा है 6,80,000 क्यूसेक पानी। सुबह 8 बजे खोल दिए गए थे गेट। सुपौल सहित आसपास के जिलों में बाढ़ का अलर्ट, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, अररिया, कटिहार और भागलपुर जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। कोसी तटबंध के दायरे में आने वाले लोगों को बाहर निकलने की अपील कल शाम से की जा रही थी। प्रशासन के मुताबिक पानी आने की वजह से कोसी के तटबंध और कोसी बराज पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। फ्लैश फ्लड को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। तटबंधों पर इंजीनियरों के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां भी बाढ़ के खतरे को लेकर अफरा तफरी है। गंडक बैराज से 5,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बगहा से अभिषेक पांडे के साथ रामचंद्र मेहता, सुपौल आज तक।